दिस इज प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं प्रोटॉन फिजिक्स फॉर ऑल। आज का जो क्लास है प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है पोटेंशियल डिफरेंस पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन के बीच बेसिस पे। हमने पिछले क्लास में इसका थ्योरी पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूं कि हम लोग जो 5-7 क्वेश्चन करेंगे वो कौन से थ्योरी पे बेस्ड होगा। वो यही होगा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी जानते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है माइनस ई डॉट डी आर, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग ये लागू करेंगे। अच्छा, इसको और भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम लोग ऐसे भी देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय चार्ज। ये जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जी, फील्ड का वर्क डन और एक्सटर्नल का वर्क डन एक दूसरे के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, और जो साइन होता है उन दोनों का अपोजिट होता है। कहने का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं तो अगर एक्सटर्नल मतलब मेरा वर्क डन पॉजिटिव है तो अर्थ का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक उसी तरह कोई नीचे गिर रहा है तो अर्थ का नेगेटिव होगा, अर्थ का पॉजिटिव होगा तो हम लोगों का नेगेटिव, मतलब एक्सटर्नल और नेगेटिव साइन यहाँ से कट लिया है। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए हम लोग ये भी देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है ई डी कॉस थीटा या ई डॉट डी ए माइनस साइन के साथ, इसके साथ माइनस साइन के साथ इसी, और ये यहाँ पर जो माइनस साइन है तो यहाँ पर मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये 3-4 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन टोटल नहीं लिखा गया लैंग्वेज के टाइम में, क्योंकि लैंग्वेज के टाइम में लिखेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। ध्यान से देखें, दो पॉइंट दे रखा है, एक ए और एक बी। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है ए और बी, एक चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकुलम ले जाया जा रहा है ए से बी तक, है ना। तो एक्सटर्नल को जो वर्क डन करना पड़ रहा है 40 माइक्रोजूल, तो कह रहे हैं वी ए माइनस वी बी लिखे, क्या वी ए माइनस वी बी। हम लोग सिंपल अभी अभी हमने देखा है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, देखा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है माइक्रो, 40 माइक्रोजूल अपॉन चार्ज कितना है 1 माइक्रोजूल माइक्रोकुलम, कुल मिला के कट गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 40 वोल्ट, है ना। लेकिन ध्यान से देखो ये वी फाइनल माइनस वी मतलब वी बी माइनस वी ए का वैल्यू है 40 वोल्ट। अगर इसको माइनस कॉमन लेके उधर भेजते कुल मिला के इसको उल्टा लिखते कि वी ए माइनस वी बी, ये तभी पॉसिबल है जब इधर से इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा। अरे इतना तो समझदार हो ही। सो कुल मिला के सब बेसिक तरह का क्वेश्चन आता है कि हाँ वर्क डन दे रखा है बोर्ड स्टेट बोर्ड या बोर्ड लेवल में। अब तो सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इस बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इस बेसिस पे, जहां भी क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे एररलेस बुक का प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसमें ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा और हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक, सो इस क्वेश्चन को आपने समझा देखा, उतारना वीडियो पॉज करके उतार लें। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि ए पॉइंट दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट दिया है, बी पॉइंट दे रखा है इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको निकालना है बीए माइनस बीबी। ओके, तो दे क्या क्या रखा है कि एक्स डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, इसको एक्स एक्सिस माना है इसको वाई एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, आपको ए और बी पॉइंट दे है। अभी अभी हमने देखा है कि डेल्टा वी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अभी अभी तुमको सिखाया था माइनस ई डी कॉस थीटा लिखने को बोला था, तुमने कहा ओके सर, लेकिन हमें ये नहीं पता चला। ई तो पता चलो ठीक है आप बता सकते हो, डी भी बता सकते हो, लेकिन एंगल कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है टेन थीटा आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में देखो चेंज कितने का और एक्स कोऑर्डिनेट में देखो चेंज कितने का है, वहां से ले सकते हो। अगर बेसिक क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर है उतना जाने की जरूरत नहीं है तो बहुत आसान है आपके लिए। बेसिक क्या बताता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और अगर हम बात करें ए से बी तक हमें जाना है, ए का पॉइंट जीरो है एक्स जीरो है मतलब वाई एक्सिस पे होगा और वाई कुछ ना कुछ दे रखा है, वाई कुछ ना कुछ दे रखा है, यह वाई तुम्हारा 2 मीटर, वाई है 2 मीटर है।
और यहां पर बी जो पॉइंट है, एक्स फाइव हो जा रहा है वाई थ्री हो जा रहा है, मतलब वाई टू से बढ़ेगा ऐसा है ना, टू से बढ़ के थ्री हो गया वाई, ध्यान से देखें, और एक्स जो जीरो था वो क्या हो गया फाइव, मतलब ये वाला पॉइंट है तुम्हारा फाइव थ्री और ये वाला पॉइंट है जीरो टू। अब यहां पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्टेंस डी इधर, दोनों के बीच का एंगल, काम खत्म, वर्कडन निकाल दो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइनल माइनस डी इनिशियल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखना है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है। तो ये वाला माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई करते तो हम लिख सकते हैं कि VA माइनस VP इज इक्वल टू बोल ED cos थीटा। अरे हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, काम खत्म। E का वैल्यू दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम, बाद में आप यूनिट यूनिट पुट करते रहेंगे। हमने D का वैल्यू लिखे तो पाइथागोरस से है ना, पाइथागोरस से 5 है, ध्यान से देखे एक्स 5 और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया है 2 से 3 मतलब 1 है, तो वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर रूट 26। और cos थीटा निकालना भी, तो हमने कहा कि ठीक है cos थीटा निकालना बहुत आसान है, कि तुम कहते हो कि सर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस फिर से बोलो रूट 26, ईडी cos थीटा माइनस कहां गायब हुआ है तो ये माइनस वीबी हो गया है, कुल मिला के कितना हुआ 25 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आया 25 वोल्ट। इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बाद बाकी कोई इम्पोर्टेंट कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको क्या करो जल्दी से वीडियो पॉज करो, फटाफट उतार लो, समझ में आया आपका। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, एक ही फॉर्मूला है, जब ई यूनिफॉर्म हो तो ईडी कॉस थीटा। आपने थ्योरी में पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म हो तब ईडी कॉस थीटा माइनस साइन के साथ, माइनस इधर कट लिए तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। ई का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस हमने निकाला ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा बहुत, और हमने कैलकुलेट किया और आपके लिए भी आसान है। चलिए लास्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नहीं है वो, सेकंड लास्ट है ना, और भी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ई यूनिफॉर्म है, ई क्या है यूनिफॉर्म, कितना दे रखा है 2000 न्यूटन पर कूलम, ओके। और पी टू आर जो डिस्टेंस डी दे रखा है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया जाए तो 5/100 मीटर, ओके। और एंगल भी दे रखा है, ध्यान से देखो एंगल, मतलब डी और ई के बीच का एंगल 37 डिग्री, पता है भाई सब, ओके। अब बताओ सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी निकालना है, डेल्टा भी क्या होता है भी फाइनल, मतलब भी आर माइनस डी पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी कॉस थीटा, फिर ये नेगेटिव इधर कट लो तो फिर क्या हो जाएगा, बोल जल्दी बी पी माइनस बी आर का वैल्यू ई बोलो 2000 लिख दू, डी का वैल्यू 5/100 लिख दू, और cos 37 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग पहले से जानते ही हो, फटाओ पिटाओ फटाफट। तो आपने कहा कि बहुत आसान था सर, जूल पर कूलम वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल पर कूलम वोल्ट। तो वीपी माइनस वी आर आया, वीपी माइनस वी आर, पी का पोटेंशियल ज्यादा है आर का पोटेंशियल कम है, आपको पता है कि फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटते जाता है। अगर यही पूछा जाता वी आर माइनस वीपी तो माइनस 80 वोल्ट। इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, पूछ क्या देता है इस क्वेश्चन में है कि इफ वी आर का वैल्यू दे रखा है 500 वोल्ट, VR का वैल्यू क्या है, आप अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल नहीं, VR का वैल्यू दे रखा है 500 वोल्ट, देन फाइंड वीपी, आपको निकालना क्या है वीपी निकालना है, बहुत आसान है। और ये सर इसमें पुट करो ना, VR माइनस वीपी इज इक्वल टू वीपी माइनस VR, सॉरी वीपी माइनस VR इज इक्वल टू आपका 80 वोल्ट आया है ना, काम खत्म,
तो वीपी इज इक्वल टू वी आर प्लस 80 वोल्ट, कुल मिला के 500 प्लस 80 वोल्ट कितना हो गया 580 वोल्ट। अरे आसान है या टफ है? आसान है। तो अभी अभी आपने यही सीखा कि पूरा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में कोई पंगा नहीं लेना है, बस ईडी को ऑस्टेटर करना है माइनस साइन के साथ, भी फाइनल माइनस वो इनिशियल माइनस हटाना है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देना है। तो आपने एक चीज सीखा कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल अगर माइनस ईडी को ऑस्टेटर होता है तो भी इनिशियल माइनस भी फाइनल हम लोग लिख सकते हैं ईडी कॉस थीटा। तो इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं, और रही बात दिमाग में बैठाने और नहीं बैठाने का, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आइडिया आएगा, टीचर से ज्यादा आइडिया आएगा आपको यहाँ किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड होता है, वो सारा चीज आता है जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, टीचर का एक्सपीरियंस पढ़ाने का होता है। और आप बहुत ज्यादा, क्योंकि टीचर तो आपको 1000 क्वेश्चन एक वीडियो में करा नहीं सकता, और आप एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अच्छा इस तरह का ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कैसे डील कर लेना, और वो याद रहे या नहीं रहेगा वो तुम पे डिपेंड करता है ना। और तुम प्रैक्टिस किए रहोगे तो अच्छा याद आ जाएगा, अच्छा मैंने ऐसा किया था। तो प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और आप मेहनत करोगे तो होगा, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होता जब। चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। रही बात अब यूनिफॉर्म को निपटा चुका हूं हम लोग, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तब पोटेंशियल डिफरेंस पूछते रहता। एक झकास सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। झकास कहने का मतलब कि VA माइनस VB निकालना है। पहला चार नंबर क्वेश्चन में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना, और आपको VA माइनस VB निकालना है, फिर से A माइनस B निकालना, और कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरा कुछ नहीं दे रखा है। तो तुमने देखा कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है। तो मैंने कहा ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए डेल्टा वी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का वैल्यू हम लोग लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर। तुमने कहा कि ठीक है सर, अब ये भी सिखाया कि वी इनिशियल मतलब ए और वी फाइनल मतलब बी, बी ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो बी ए माइनस बी बी, और इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो तब तो हो जाएगा ना फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। मैंने कहा ठीक है, तुम बताओ जनाब कि अगर ये डी आर लेते हैं तो इसको कैसे हम लोग डी आर वेक्टर को कैसे तोड़ सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अरे सीखा है ना आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसी को डी लगा दिया तो समय होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ओके सो मैंने बोला कि आप इस बात को याद रखेंगे डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ई की जगह, तो अपना वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप लिखा। ओके और डॉट डी आर की जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप में छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ एक्स वाई है जेड नहीं है, मतलब आई जे है के नहीं है, तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ, है ना। सो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन पॉज करके आप लोग बता चुके होंगे, मैं भी डाल रहा हूं। अब ध्यान से देखो, तो आई का आई के साथ होगा तो इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई, है ना। सो मैं चाहूंगा कि अलग अलग इंटीग्रल ना करे, एक चीज और कर लिया, एक इंटीग्रेशन रखो और थोड़ा वाई डी एक्स प्लस डी एक्स डी वाई ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, आ गया प्रोडक्ट करने के बाद। अरे पता है आई के आई जे उड़ जाता है ना, dx का y के साथ y dx, dy का x के साथ x dy। थोड़ा सा मैं आपको 11th के बेसिक पे ले जाता हूँ कि डिफरेंशिएशन हम लोग u इंटू v रूल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है सर, एक का डिफरेंस एक को बाहर कर दूसरे का, मतलब u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स कर सकते हो। मैंने कहा आप देखो dx 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 कटा लो तो क्या होगा, डी यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी वी प्लस वी डी यू। अब मैंने कहा थोड़ा सा बस ये एक्स्ट्रा चीज है, मैंने कहा कि यहाँ पर तुम रख लो x और यहाँ पर रख लो y, तो तुम कहोगे कि सर डी एक्स वाई इज इक्वल टू यू की जगह क्या रखा है x, u की जगह x और y की जगह
वी है, तो हमने कहा यू की जगह जब एक्स लिखा है तो लिखो एक्स डी वाई प्लस वी की जगह क्या रखा वाई, तो वाई डी एक्स, इसको पलट के लिख दो तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अरे होगा या नहीं, मतलब जहां कहीं भी ऐसा कुछ खतरनाक सा दिखा रहे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसी का यूटिलाइज किया जाएगा। यहां ध्यान से देखो वाई डी एक्स है, यहां है वाई डी एक्स और यहां एक्स डी वाई है, यहां एक्स डी वाई, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एक्स वाई, लेकिन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई। अब हमारा कोऑर्डिनेट जो पहले दे रखा था कहां कहां से चेंज कर रहा था, तो जीरो 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 से चेंज कर रहा था वन 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 तक, है ना। सो अब बताओ एक चीज बताओ मुझे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डी वाई का वाई डी जेड का जेड, तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई कहां से कहां तक वैरी करेगा जीरो 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 टू वन वन वन, तो एक्स वाई दोनों एक साथ पुट करना है एक बार अपर लिमिट, तो वन इंटू वन माइनस जीरो इंटू जीरो कुल मिला के वन वोल्ट, वन वोल्ट। समझ में आया, थोड़ा सा इस तरह का वेरिएबल जब होता है कि हम लोग इंटीग्रेशन करने तो बैठते हैं, लेकिन यहां देखो वेरिएबल एक्स है, वैरी कर रहा है एक्स में और वाई दे रखा है, और यहां वैरी कर रहा है वाई में एक्स दे रखा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो दो तरीका से सॉल्व करते हैं, एक तो आपको ये वाला एडिशन वाला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है किसी भी याद नहीं होते ना, हम लोग सीखते हैं, तो आपने भी ऐसा नहीं कि पहले आपको क्यों नहीं आइडिया है, तो सब सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, तुम भी सीखोगे, सब कोई सीखता है ना, कोई ऊपर से कुछ लेकर आता नहीं है ना। तो देखो तुमको भी सीखना है कि जब भी इस तरह का हो फंक्शन तो एक्स वाई में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे एडिशन यू इनटू बी रूल, प्रोडक्ट रूल आप इलेवेंथ वाला ठीक। और दूसरा होता है कि कहीं कहीं क्या दे रखा है एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा होता है, कहीं कहीं दे रखा था एक्स बराबर वाई, तो आप वाई की जगह एक्स पुट कर लो तो एक्स की जगह वाई, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है ना। सो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो तरीका होता है, पहला एक्स की जगह क्या पुट कर, पहला कि आप एडिशन प्रोडक्ट वाला रूल, और दूसरा हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं और उसको पुट करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इधर, इसी में दूसरा क्वेश्चन, फटाफट इसको वीडियो पॉज करके उतार लो और एक जरूर उतार लेना है ना, ये वाला सपोज करो कि पहला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा तो पहला खुद बखुद आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और अच्छा कर दे रहा है, कहता है कि ठीक है ई तो हम दे रहे हैं लेकिन आपको बड़ा खतरनाक सही देंगे, है ना। क्वेश्चन है आपका ई दे रखा है आपका थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, और फिर से आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दे रखा था वही कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में कितना कोऑर्डिनेट दे रखा था आपको जीरो 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 से वन 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 तक, बस फिर से कहा कि देखो सबसे पहले देखो कि ए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, चेक कैसे करा, देखा कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है सर, तो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या फंडा लगाओगे वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर, माइनस तब लगता है जब बी माइनस ए करेंगे, माइनस नहीं लगेगा प्लस हो जाएगा जब ए माइनस बी करेंगे ई डॉट डी आर। मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया है कि कभी भी डी आर को, जैसे आर को हम लोग कैसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं, ठीक उसी तरह डी आर को हम लोग लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, अरे लिखेंगे हाँ अच्छी बात है। अब नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे ई का फंक्शन जो है थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप, है ना, ई लिख दिया डॉट डी आर की जगह लिखा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, जेड नहीं लिखा क्योंकि दोनों में जेड या के कैप वाला टर्म नहीं है, और कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कहां से कहां तक हमें करना है, इसका राम कहानी जीरो 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 से वन 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 तक, है ना ओके। अब देखते हैं डीएक्स इधर आई का आई के साथ
जे का जे के साथ हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस। इधर देखो एक्स क्यू डी वाई, फिर से प्रोडक्ट रूल अभी भी सिखाए ना कैसे, डी एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बाहर डी वाई प्लस वाई बाहर डी एक्स लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अब हमारा एक्स के जगह एक्स क्यू ले लो और वाई के जगह वाई ही रहने दो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू को तब कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे कि ऐसा सर ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्स बाहर किया गया तो एक्स क्यू बाहर डी वाई प्लस प्लस अब सर वाई को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करके बताओ, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। इसको अच्छे से लिख लिया जाए तो डी एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू वाई, या हम लोग लिखे ऐसे थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू डी वाई। फिर से आपको लोचा क्यों आया, तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्यों नहीं कर सकते, क्या आप पढ़ा रहे हो वैसे ऐसे। मैंने कहा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ वेरिएबल एक्स भी है वाई भी है, और ऐसा नहीं है कि एक्स वेरी कर रहा है तो वाई कॉन्स्टेंट है वाई वेरी कर रहा है तो एक्स, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करोगे इस तरह के क्वेश्चन बस आप प्रोडक्ट रूल याद रखोगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और आप बैठाने का कोशिश करोगे एक्स कौन है वाई कौन है। ध्यान से देखो तो हमारा इसी तरह का टर्म है क्या, ये वाला टर्म नहीं बोल रहा है, क्या इसी तरह का टर्म है क्या, ये वाला टर्म है कि नहीं, क्या इस टर्म के बदले हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स क्यू वाई, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्यू वाई कहां से कहां तक, जीरो 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 से वन 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 तक। ये टर्म आपको समझना है ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद आपको ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करने आ रहा है तो बस आप यही सीखोगे कि एक्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स में कैसे पुट करेंगे, तो फिर वही एक्स की जगह ये वाला टर्म रख के देखेंगे ना, अगर इस तरह का टर्म आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बुरी बात है ना। आप देखोगे देखो यहाँ कैसे एक्स वाई इसको तोड़ेंगे, अगर इक्वल आ गया तो करेंगे, नहीं आया तो फिर और सोचेंगे, लेकिन इसी तरह पर सोचेंगे ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, ठीक उसी तरह डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, तो डी इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यू वाई। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जीरो 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 टू वन वन वन, फिर से एक्स का जगह एक बार पुट करेंगे वन वन का क्यू इंटू वन माइनस वाई, हमारा मतलब वाई यहाँ क्या है सब जीरो जीरो जीरो, तो जीरो का क्यू इंटू जीरो कुल मिला के वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो वोल्ट मतलब वन वोल्ट की कुछ और, आई थिंक इससे कुछ और क्लियर हुआ होगा। फिर से जाकर उसको रिपीट करना है प्रीवियस क्वेश्चन को, प्रीवियस हर इस तरह के हर एक क्वेश्चन का यही फंडा है, ई लिखना एक्सप्रेशन दे रखा है, डी आर की जगह डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, जेड भी रहे तो जेड भी लिख लेना है ना। उसके बाद सिंपल सा फंडा यही है कि इसको इंटीग्रेट इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ आई जे कैप उड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ ए वाला फंक्शन ए वाला फंक्शन। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करके करते रहोगे तो कभी नहीं होगा, तो हम लोग करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कैसे है, तो हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं। फिर से हमारा डिफरेंशिएशन वाला रूल जो इलेवेंथ का है यू इंटू बी रूल, बताया था ना यू इंटू बी रूल, यू इंटू बी रूल क्या कहता है यू डी बी बाई डी एक्स ऐसे करके है ना, ठीक उसी तरह आपको करके करना है और फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देना है, आसान क्वेश्चन है ठीक। सो चलो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रिलेशन होता है, और फील्ड के थ्रू हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी, जो भी बॉडी कंटिन्यूअस है जैसे आपको एक स्फेरिकल सेल हो गया या फिर सॉलिड स्फीयर हो गया, इस सबका पोटेंशियल कितना होता है और इसको निकालने का तरीका क्या है, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर प्रॉब्लम, उसके बाद
कंडक्टर रिगार्डिंग और सब चीज आ जाएगा, कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, जब इतना पढ़ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सेक्शन देखेंगे और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका नाम है कैपेसिटर, और हम लोग देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, इसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने खोजा, होता क्या है, एक्चुअल क्या होता है कंडेंसर कैपेसिटर, ये सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के पहले आपको बहुत सारे थ्योरी से गुजरना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा लगे तो, हो सकता है थोड़ा फास्ट तो स्लो करके देख लेना, और क्या, आई थिंक इट्स ओके, यू कैन कॉम्प्रोमाइज। थैंक्स।